नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। दिल्ली स्पेशल की शुरुआत करेंगे तो आम आदमी पार्टी प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने एमसीडी पर एक बार फिर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि एमसीडी की तरफ से बनाई गई आधी से ज्यादा बेघर पेंशन फर्जी है। बीजेपी पार्षदों ने अपने लोगों की नकली पेंशन बनवा रखी है। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम में बेघरों की पेंशन में बड़े दर पर घोटाले का सा स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में निगम के उच्च अधिकारी ने किया है। दक्षिण दिल्ली नगर निगम के अधिकारी स्टैंडिंग कमेटी में कह रहे हैं कि 50% से ज्यादा बेघरों की पेंशन फर्जी है। तो फिलहाल जिन लोगों की तरफ से और पार्षदों ने फर्जीवाड़ा किया है उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए, ये मांग की जा रही है। इस बात 28 सितंबर 2021 को साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग के दौरान ये मामला उठाया गया और इसमें इस बात का खुलासा हुआ कि डेस्टिट्यूट की जो पेंशन है इसके अंदर एक बड़े लेवल पर घोटाला हो रहा है और किसी ने नहीं, दिल्ली नगर निगम, दक्षिण दिल्ली नगर निगम के आला अधिकारी ने, उच्च अधिकारी ने इस बात को स्थायी कमेटी में कहा कि लगभग आधी से ज्यादा डेस्टिट्यूट पेंशन्स नकली हैं, फर्जी हैं। उनके कहने का मतलब ये था, ये वो लोग हैं जो ना तो बेघर हैं ना वो डेस्टिट्यूट हैं। पार्षदों ने अपने जान पहचान के लोगों की पेंशन डेस्टिट्यूट पेंशन के नाम पे बनवा रखी हैं और अपने लोगों को ₹1000 महीने का फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से अच्छे खासे लोगों को, जिनके पास घर है, कामकाज है, कईयों के पास नौकरियां हैं, बाकायदा उनके पास अपना घर है जहां पे वो रह रहे हैं, उनको डेस्टिट्यूट के नाम की पेंशन बनवाई गई। हमारा प्रश्न ये है कि जब दक्षिण दिल्ली नगर निगम के उच्च अधिकारियों को भी मालूम है और वो स्थायी समिति में कह रहे हैं कि 50% से ज्यादा डेस्टिट्यूट पेंशन्स फर्जी हैं, तो इसकी जांच क्यों नहीं कराई जा रही। हम मांग करेंगे आज कि डेस्टिट्यूट पेंशन की, खास तौर पे दक्षिण दिल्ली नगर निगम में किस किस की डेस्टिट्यूट पेंशन लगाई गई है, इसकी जाँच कराई जाए, इसको वेरीफाई किया जाए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।